शिलोंग पहुंच चुका हूं मैं मेघालय की तरफ। कुछ दूर पहले तो लग रहा था यार कि ना होटल मिलेगा ना कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अच्छी खासी भीड़ है। रूम जहाँ पे मैं रुका हूँ, वॉशरूम, यहाँ पे आपको टेबल मिल जाएगी, खाने के लिए या बैठने के लिए बेड भी मतलब अच्छा है, पूरा बना भी सही तरीके से रखा है और सिर्फ 2000 रुपये में। मैं जब अभी आया था, मैं जब बिल पे कर रहा था तो बिल तो ये रहा आपका, इसमें आपकी वैसे थाली जो मैं कल खा रहा था वो 150 रुपये की है। मतलब यार ठीक है, बहुत जेन्युइन थी थाली, बहुत अच्छी थी और इतनी सस्ती। ऑमलेट मिला 20 रुपये का, 20 रुपये का ऑमलेट कोई नहीं देता भाई कहीं पे भी, और होटल में मिल रहा 20 रुपये का। यह आपका रूम 2000 का, 2190 रुपये की टोटल मैंने पेमेंट की। मतलब यार, और ये थोड़ा सा मतलब अगर देखें सिटी टाउन से थोड़ा सा दूर है, मतलब 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप सोचो सिटी टाउन में 3500 रुपये के आसपास मांग रहे थे वो, और यहाँ सिर्फ 2000 में काम हो गया। अंकल जो थे यहाँ पे जो केयर टेकर हैं, या ये मेरे हिसाब से केयर टेकर नहीं, मालिक ही है ये, और इनका ही है ये, 2-3 रूम इन्होंने बना रखे हैं घर में ही, और यही आप जो है टूरिस्ट को देते हैं जब कभी इशू होते हैं, मतलब या तो फुल हो जाते हैं या तो कोई फेस्टिवल टाइम होता है तो यहाँ पे हॉलीडे के टाइम पे फुल हो जाते हैं, तो ये वैसे एडिशनल देते हैं। और मेरे से कह रहे थे कि आप या तो फिर मेरा जो ये रूम बना रखे हैं मैंने, जो होटल है एक तरीके से, या गेस्ट हाउस मान लो गेस्ट हाउस हैं, इनको आप थोड़ा प्रमोट कर दो। मैंने कहा ठीक है, वैसे तो अभी तो बहुत टाइम है, और मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप वैसे काजीरंगा नेशनल पार्क अगर इस साइड आते हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप इस जगह पे ही रुकें, इस गेस्ट हाउस पे ही रुकें। और बाकी अंकल का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ देख भी सकते हैं, मैं लोकेशन भी डाल दूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप इस जगह ही आए, कम पैसे में बढ़िया जगह और अच्छी चीज़। और यहाँ से आपको ये मतलब यहाँ से आपको कम्युनिकेट भी कर देंगे कि कैसे कैसे आपको शेयरिंग में जीप मिलेगी, मेरे को भी इन्होंने कम्युनिकेट करा। तो फिर बस अब निकलते हैं बाहर की तरफ जाते हैं, और मैं अब शिलोंग की तरफ निकल रहा हूँ। बाकी मैं दिखाता हूँ आगे की तरफ कि बस मेरे को कहाँ से मिलती है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें दिखाता हुआ जाऊँगा आपको। यह है पीछे गेस्ट हाउस, भी अंकल गए हैं अंदर। मतलब बना तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा बना रखा है, रूम भी रहने मतलब रहने के लिए क्या, बिल्कुल ही मतलब जैसे होटल में होते हैं बेस्ट तरीके से इन्होंने रूम्स भी बना रखे हैं, और प्राइस तो बहुत बढ़िया है। मतलब यार हर कोई यहाँ पे 3500, 4000, 6000, मैंने जब ऑनलाइन देखा 6000, 7000, 5000 के आसपास रूम रेंट थे, लेकिन अच्छा लगा कि मुझे। फिर कहते हैं ना यार, रात में वैसे भी मैं अगर कहीं भटक भटक जाता हूँ ना, या फिर मुझे रूम नहीं मिलता या कोई इशू होता है, तो मैंने तो पहले भी बता रखा है मेरे को कोई ना कोई एक भगवान के रूप में मिल ही जाते हैं। तो वो जीप वाले जो भाई थे उन्हीं के, या तो फिर ये रिश्तेदार हैं या तो उन्हीं का घर है, उन्होंने यहाँ पर मेरे को दिखाया। मैं यहाँ आ गया डायरेक्टली, वो लेके आ गए मुझे, मिल गए। वैसे तो दुकान पे मैं पूछ रहा था, वो डायरेक्टली मिल गए मुझे, वो यहाँ लेके आ गए। बेस्ट ड्राइव में अच्छी चीज़, मतलब ऐसा खाना कि मैंने कभी खाया ना हो ज़िंदगी में, बोले तो फिर भी जैसा खाना घर में मम्मी बनाती हैं उसी तरीके का खाना समझ लो आप, बेहतर ही समझो बेशक, लेकिन अच्छा लगा। मतलब यार खाने में 150 रुपये में और क्या मिलेगा,
कुछ ज़्यादा ही दिया इन्होंने, तो चावल भी एडिशनली कुछ ज़्यादा रख दिए। अब मैं खा नहीं पाया तो मैंने थोड़ा बहुत उसे छोड़ दिया। ये यहाँ के नज़ारे, कच्चे मकान बने बड़े नहीं थे। लकड़ी के मकान बने पड़े हैं और लकड़ी के मकान पे जो है मिट्टी की जो होती है, मिट्टी से पोत के उसे सही तरीके से बना रखा है। अच्छा है मैं टाउन एरिया में नहीं रहा, तो ये सब टाउन एरिया में देखने को वैसे मिलता नहीं है। मुर्गियाँ रख रखी हैं, बकरी रख रखी है, बत्तख है, गाय भी है। मतलब अब तो हमारा गांव भी अब तो टाउन जैसे ही हो गए हैं। गांव तो यूपी में तो मैक्सिमम एरिया गांव रहे नहीं, अब टाउन ही हो गए हैं सारे। यहाँ असली देखने को मिल रहा है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि यहाँ गांव गांव है, वो चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सुबह सुबह जब मैं उठा था तो मतलब बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ आ रही थी, मुर्गों की आवाज़ आ रही थी और चिड़िया हो गई और बहुत सारी चीज़ों की जो है आवाज़ आ रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह अच्छे अच्छे चला जाता है इन सब की वजह से, वरना हमारे यहाँ तो अगर सिटी एरिया में रह रहे हो तो फिर तो समझ लो क्या मिलता है क्या नहीं, तो सब जानते हैं गाड़ियों की आवाज़ बस और कुछ नहीं। जंगली मुर्गे सामने की तरफ, यहाँ सामने से देखते हैं, यहाँ तो बस डायरेक्टली मिल जाएगी गुवाहाटी के लिए, नहीं तो फिर यहाँ से मेन टाउन जाना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर दूर, वहाँ से मिल जाएगी। इस तरफ से ही बस आएगी जोरहाट, इस साइड है और इस साइड आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी 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 कैश पड़ा है मुझ पे 700-800 रुपये से, कैश कहाँ से लूँ, ATM पे है नहीं, गुवाहाटी जाके देखूँ मैं। कोई भी बस नहीं आ रही अभी, कब तक मिलेगी। बस 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 मिल जाए बस, वैसे तो जल्दी मिल जाएगी क्योंकि मैं यहाँ पे रोड पे जब भी आता हूँ तो कोई ना कोई बस जाती रहती है गुवाहाटी के लिए, तो फिर मिल ही जानी चाहिए जल्दी। इतने कहाँ की है गुवाहाटी की है, गुवाहाटी गुवाहाटी गुवाहाटी। No, no, no.
चेरापुंजी का है। मतलब वो आर्टिका मांग रहा है, इनोवा में कर सकते हैं। आर्टिका भाड़ा है, आर्टिका का आर्टिका ढूंढ रहा है, तो आर्टिका नहीं बेच के आपका इनोवा हम बेच सकते हैं। कितना बोलूं? फैमिली वाला है, कहाँ ज्यादा तो घूमेगा नहीं, जितना हम लोग घुमाते हैं वही। शिलोंग पहुंच चुका हूं मैं मेघालय की तरफ। कुछ दूर पहले तो लग रहा था यार कि ना होटल मिलेगा ना कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अच्छी खासी भीड़ है। I love Shillong. ये आपकी जो जगह है वो है पुलिस बाजार। शिलोंग में जो मेन जो सिटी सेंटर माना जाता है वो इसी जगह को माना जाता है। लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस। आज 25 है, 25 जनवरी, तो लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे लोग यार पान बड़ा खा रहे हैं, हर किसी को देखो पान खा रहे हैं। फुल एंजॉय चल रहा है क्रिसमस का। गुवाहाटी जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ नहीं मिलेगी के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल से एक टैक्सी मिली। देन टैक्सी ने लिए 500 रुपये, और 500 रुपये में मैं वहाँ से यहाँ पे आया तो बहुत मुश्किल से, लेकिन आ गया। नॉर्थ ईस्ट में यार शाम में जो है जाना बहुत मुश्किल है। शाम में ट्रैवल करना, मतलब अगर आपकी खुद की ऑन व्हीकल नहीं है तो ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। धीरे धीरे अब लोग घर की तरफ जा रहे हैं, जिनको क्रिसमस बनाना था उन्होंने बना लिया। मेरा हर साल का क्रिसमस ऐसे ही बनता है। पिछली बार भी मैं कोची में ही रात में पहुंचा था, सुबह पहुंचा था एक्चुअली 4 बजे के आसपास, बस में ही क्रिसमस बना एक तरीके से। नाउ अगेन कुछ खाना भी है यार, खाया भी नहीं है सुबह से, थोड़ा बहुत खाया था बस, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। देखता हूँ कुछ मिल जाए खाने को तो ठीक है।
देख रहा हूँ होटल्स। पिछली बार मैंने कोची में जो है क्रिसमस बनाई थी, और इस बार क्रिसमस शिलोंग में मैं जा रहा हूँ। अब केएफसी में कुछ खा लो यार, भूख लग रही है। और यहाँ होटल्स मेरे को सही से समझ नहीं आ रहे कहाँ क्या है क्या नहीं, इसलिए केएफसी जाना पड़ रहा है। आई थिंक सेकंड फ्लोर में ही है यह है यहाँ का मॉल और बाहब। ये रहा KFC, कुछ खा लें फिर बात करते हैं।